ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है? हेलो यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चों। ओके, चलो चालू करते हैं बिफोर एनी टाइम वेस्ट। एक्सपोनेंट इनइक्वालिटीज कर रहे थे, रिवाइज कराओ। ए रेस्ट पर एक्स इज ग्रेटर देन ए रेस्ट पर वाई, देन डायरेक्टली एक्स और वाई पे कमेंट, या ए पे डिपेंड करेगा? सर ए पे डिपेंड करेगा, एंड ऑन ए डिपेंड करेगा। One, then inequality sign does not change. If a is between 0 to 1, inequality sign changes. So first question ka answer, x is greater than minus 5. Koi doubt? No sir. Second, मैं बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं वो भी समझा देता हूँ। 2 raised to power x plus 2 is greater than 2 raised to power minus 2 by x. Exponent is greater than 1, so inequality sign does not change. फिर बहुत सारे बच्चे x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर बोलते हैं ऑल रियल वैल्यूज। आया ना, बहुत बच्चों को आया होगा? गलत है। क्यों? x को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पूरा कंसेप्ट ही उसी पे बेस्ड है। यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई x. Instead, what you can do is you can bring it to the left side. Left side. Yes, sir. Greater than zero. X LCM. X square plus 2x plus 2 is greater than zero. Quadratic. Discriminant check kiya. Negative aaya. Negative aaya to khushiyan mili. Usko uda diya. Yes. 1 by x is greater than zero. So which means x is greater than zero is the final answer. Not all belongs to R. Clear everyone? Yes, sir. कुछ कॉपी करना हो तो बाद में करना, अभी सुनो मेरे साथ बस, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना चाहिए? 7 raised to power x को t मान के, ये वाला टर्म कितना हो गया? t square. क्या हो गया? 70. तो ये वेवी का भी हो गया ना? हाँ सर। देखो क्या होता है कि कुछ बच्चे इसके बाद वेवी कर्व का स्टेप करते हैं, जो कि गलत कुछ नहीं है, जैसे बस ऐसा आ जाता है और फिर टी की वैल्यू रखते हैं और खुद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अरे यार ये कैसे हैंडल करें। वो कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा सोचने के लिए डिफिकल्ट पड़ता है। फिर इसके बाद करना क्या है वो मैं बता देता हूँ कि इट इज ग्रेटर देन माइनस 4 एंड 7 raised to power x इज लेस देन 7। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। ऑल एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये बोल रहा है कि पॉजिटिव कब माइनस 14 से बड़ा होगा? क्या आंसर है? ऑल रियल वैल्यूज। ऑल इज वेल। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यहां पे आंसर है x लेस देन 1, दोनों का इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर आ जाएगा x लेस देन 1। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लिसन क्लोजली, ऐसा करोगे तो आंसर आएगा, बट यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम्हें। व्हाइल इफ यू डू लाइक द सेकंड मेथड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, वो थोड़ा तुम्हें इजी लगेगा, देखना खुद एग्री करोगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक्सपोनेंट इनइक्वालिटी है तो बेबी कर्व को सॉल्व करने से पहले ही टी की वैल्यू रख दो, पहले ही रख दो, जैसे यहाँ पे बाद में रखी थी। तो 7 की पावर x plus 14 इंटू 7 की पावर x minus 7 is less than 0। करेक्ट बच्चों? यस सर। यस सर। इजी लग रहा है कि ये तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, टाटा बाय बाय। यस यस सर। अब बताओ ये इजी है या नहीं? यस सर, बहुत इजी। यस सर। मतलब छोटा सा टिप दिया, समझ में आया क्या टिप दिया? यस सर। यस सर। यहाँ था कोई डाउट? नो सर। कैन आई गो नेक्स्ट पेज देन? यस सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिया था, ये भी करा ट्राई? हाँ सर। हाँ सर। सर आया नहीं? सर आ गया सर। ओके, जिसका आंसर है नाम बोल के आंसर बताओ। गोपाल आर्यमान सर, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3। अरे एक बार नाम बोला है तो मुझे बोलने भी तो दे बच्चे, कि किससे पूछूं मैं। गोपाल बोलो आंसर। गोपाल थोड़ा सा काम करो। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स करेक्ट। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी यूनियन कर्ली ब्रैकेट 3। आर्यमान सर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके नेक्स्ट सर, एरिया x इज ग्रेटर। वापस बोलो। धैर्य
x is greater than 4. Okay, anybody else? Sir, x is greater than 4. Okay, anybody else? Jovan bola tha ye, but naam bola karo, hazar baar sikhaya tha. Sir, Kriti. Sir, Shlok. Kriti. Haan, Kriti. Sir, x is greater than equal to 5 by 4. Okay, yes. Shlok. Sir, Radha. Shlok. X is greater than 4, yeah. Okay, Radha. X greater than 4, sir. Okay. Greater than 4 or greater than 8? Only greater than 4. 1 minute. Radha, x greater than 4 or x greater than equal to 4? Only greater than 4, sir. Okay. Sir, Kairav. Kairav? Sir, x greater than 4 union 3. Okay. चलो इनमें से किसी और कुछ और आंसर है तो बताओ, अदरवाइज यही है तो आप रहने दो भी। चलो देखो x इक्वल, अब मैं कैसे प्रोसीड करूंगा, ऑप्शन मैं नहीं देख रहा, चलो छोड़ो, कैसे प्रोसीड करेंगे कि बेस पे डिपेंड करेगा सब चीजें, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बेस ग्रेटर देन 1 केस 2, बेस बिटवीन 0 टू 1 केस 3 भी लेना चाहिए जब बेस इक्वल टू 1 हो जाए, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। एक्चुअली तो केस 4 भी लेना चाहिए जब बेस इक्वल टू 0 हो जाए, बस मैंने क्या बोला था उसमें कि जीरो की पावर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, करेक्ट याद है? यस सर। आराम से जीरो से चालू करता हूँ ताकि कोई केस मिस ही नहीं हो, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मैंने बोल दिया तो मैं याद करो एवरीवन। यस सर। यस सर। सो इस केस के अंदर जब एक्स इक्वल टू 3 है तो मैं चेक ही कर लेता हूँ वैल्यू डाल के, 3 डाल के जीरो हो गया, जीरो की पावर कितना हो गया -4, खत्म काम, नॉट डिफाइंड, एग्री करो? Yes, अरे जीरो की पावर माइनस फोर क्या होता है? वन अपॉन जीरो की पावर 4, वन अपॉन जीरो की पावर इज वन अपॉन जीरो, क्या होता है वो? नॉट डिफाइंड हो जाता है। एक्स इक्वल टू 3 आंसर में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? सर जीरो को तो पावर 2 होगा ना सर? हाँ सर। यस सर। हाँ जीरो की पावर कितना 2 है, सॉरी सर 2 आएगा, मैंने डायरेक्टली जीरो डाल दिया एक्चुअली। हाँ वापस देखेंगे, x को 3 डाला तो ये 0 है, और यहाँ 3 डाला तो 6 - 4 = 2 is greater than, यहाँ पे 3 डाला तो ये 0 है, और यहाँ पे डाला 1 - 6 = -5, अब तो not defined? Yes, sir. Rejected. Clear यहाँ तक? Yes, sir. Okay, आप value बढ़ाते जाते हैं, case 2 लेते हैं जब between 0 and 1. आप बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. It is equal to 1, और case 4 ले लेंगे, it is greater than 1, अब तो बिल्कुल clear? Yes, sir. Case की condition है, x belongs to 3 to 4, तो ध्यान रखना, इस case के अंदर, base is between 0 to 1, inequality sign? Changes? Changes. आया ना बच्चों? Yes, sir. X is less than 5 by 4, क्या ये इस case का final answer है या intersection बाकी है? Sir, intersection. समझी ये बच्ची कौन थी? Kriti थी, I think, right? Yes, sir. इंटरसेक्शन लेने भूल गई लड़की, 1.25 से छोटा बोल रहा है और ये 3 टू 4, यहाँ पे आंसर क्या है? नल सेट। ओके नेक्स्ट केस, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, दैट इज x को 4 रख के चेक कर लो भाई, x को 4 रखा, 1 raised to power 8 - 4 = 1 - 8 - 7, इसमें तो कोई इशू नहीं होता, x इक्वल टू 4 इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द फाइनल आंसर। यस है ना? उल्टा गलत कर दिया, सॉरी, अभी वो वैलिड अभी के लिए आंसर, x ग्रेटर देन 5/4 इंटरसेक्शन विद x ग्रेटर देन 4, ये बोल रहा है 1.25 से बड़ा, ये बोल रहा है 4 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 से बड़ा एवरीवन? यस सर। अब बताओ फाइनल आंसर क्या है फिर? दो ही आंसर है अभी तक तो, सारे और ये 4 टू इंफिनिटी, 4 ग्रेटर देन, फाइनल आंसर इज 4 क्लोज से इंफिनिटी। अरे बिल्कुल क्लियर? यस सर। यस सर। कॉपी बाद में कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन है अभी, सिर्फ सीख लो। कोई डाउट? No, sir. Okay then.
तो एक्सपोनेंट इनइक्वालिटी में तुम्हें याद ही है मैंने क्या बोला कि वेवी कर्व सॉल्व करने से पहले उसकी वैल्यू रख दो, करेक्ट ना? यस सर, यस सर। चलिए क्वेश्चन करो। गौरव करेक्ट, जवान करेक्ट, रश्मि करेक्ट, साहिल रॉन्ग, माइका करेक्ट, आर्यमन करेक्ट, ध्रुविल रॉन्ग, कैरव करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट, गोपाल करेक्ट, अजय शत्रु रॉन्ग, सम्यक रॉन्ग, राधा रॉन्ग, श्रीनिधि रॉन्ग, वंश रॉन्ग। इक्वेलिटी कहाँ से आ गई? ध्रुव सिली मिस्टेक, बनाए करेक्ट, चलो डिस्कस कर रहे हैं एवरीवन। 30 seconds नचिकेत रॉन्ग, दीपक रॉन्ग, आदित्य मिस्टेक, देहरी करेक्ट, आदर्श रॉन्ग, तनिषा सिली मिस्टेक, साहिल करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, अजय शत्रु रॉन्ग, हुसैन करेक्ट, श्लोक रॉन्ग, हर्षवर्धन करेक्ट, कृति करेक्ट, कृतिका करेक्ट, आदित्य मिस्टेक, सिली प्रथम करेक्ट, आदर्श रॉन्ग, साम्याक रॉन्ग। चलो इनफ टाइम, क्या मिस्टेक कर रहे हो? देखो कुछ बच्चे, पहली बात मुझे दिख रहा है कि इसको टी लिखना चाहिए और ये है, बट ये एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है तो इसको थोड़ा अलग कर दूं। यस कर दिया, देखो माइनस फोर इज लेस देन जीरो,
अब 2 की पावर माइनस एक्स को टी रख दिया तो ये वाला टर्म कितना हो गया T square. ये कितना हो गया 2 स्क्वायर इनटू 1/2 बच्चों 2 माइनस 70 माइनस 4 इज लेस देन 0 इजी देखो माइनस 80 प्लस टी माइनस 4 इज लेस देन 0 2t इनटू टी माइनस 4 प्लस 1 इनटू टी माइनस 4 इज लेस देन 0 2t प्लस 1 अब बेबी कब को सॉल्व कर लूं या टी की वैल्यू रख दूं टी की वैल्यू 2 into 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 into 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0 ऑलवेज पॉजिटिव टाटा बाय बाय सो 2 रेज टू पावर माइनस एक्स इज लेस देन 2 स्क्वायर बेस अभी क्या है ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 बेस ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स इनइक्वालिटी साइन विल नॉट चेंज माइनस एक्स इज लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन साइन चेंजेस अब यहीं पे कितने ही बच्चों ने 10-15 बच्चों ने तो सिली सिली मिस्टेक कर दी है लास्ट के 2-3 स्टेप्स में आया ना यस सर अब देखो ऐसी गलती नहीं करनी है यार ध्यान रखो एग्जाम में आते हुए मार्क्स जाएंगे फिर यस सर फाइव सेकेंड्स और कॉपी फास्ट ओके गोइंग फॉरवर्ड नाउ कोई डाउट तो नहीं है हो गया ना अच्छा जल्दी फिनिश करो हाँ सर चलो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ट्राई करो फर्स्ट सर गौरव यार सर वो 6.25 के 6 × 25 है 6.25 ओके सर तो इसी तरीके से कुछ डाउट हो तो नाम बोल के पूछा करो सो दैट आई नो
कुछ हो रहा है सर? थोड़ा 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 लग रहा है। आज हिट एंड ट्रायल नहीं चाहिए मुझे। So Gopal, so just confirming that is 6.25 now. हाँ पहले भी पूछा किसी ने। अच्छा 6.25। Yes sir. चलो अब मैं करूं 30 सेकंड्स। बस हर बार 30 क्या, जल्दी करो सर। वो लास्ट स्टेप में अटक रहा हूं। चलो डिस्कस करेंगे। आंसर काफी जने हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते हैं, मेथड चाहिए मुझे। चलो प्रथम बताओ कैसे करा। अरे यार जिसका नाम बोलूं माइक ऑन करा करो भाई। yes, बार बार क्या रिक्वेस्ट करूं। हाँ प्रथम कैसे किया सर? सबसे पहले 5 की पावर x को t लिया और 2 की पावर 5 की पावर x को t। ठीक है फिर 2 की पावर x को y लिया। अरे सॉरी यस 2 की पावर x को y लिया। ओके और 6.25 को 25/10 का स्क्वायर। 6.25 इज 25/10 का स्क्वायर सही है। इनटू हाँ सर 16x अपॉन 100x इज इक्वल टू 0 और बाद में ये है ना। यस सर सॉरी सर गलती कर दी मैंने सर शायद इस सर। ओके चल धैर्य बताओ। धैर्य सर मैंने ये सोचा कि सर क्या कहते हैं 25 की वैल्यू बहुत तेज बढ़ेगी तो सर हिट एंड ट्रायल ट्राई कर पाया। हिट एंड ट्रायल नहीं पूछ रहा हूं मैं, हिट एंड ट्रायल के अलावा किसी ने किया तो बताना, अदरवाइज जस्ट से हिट एंड ट्रायल। रोशेल रोशेल सर रोशेल पर से पूछ रहा हूं मैं। रोशेल से रोशेल रुशल नाम का लड़का लास्ट मॉर्निंग कहाँ है भाई, माइक ऑन करो।
लास्ट वन है एल्स आई मे हैव टू रिमूव यू खुद ही भग गया है मतलब ऐसा पट्टू इंसान होते हैं क्या डांट रहा हूँ क्या वजह से सर गोपाल चुप रहे यार गोपाल मैं सच में इरिटेट कर देता है तू ही बैठा है क्या क्लास में बस मैं पूछ रहा हूँ इंडिविजुअली तो क्या मतलब होता है इसका सच्ची में हर बार की कहानी तेरी अरे एक एक करके पूछ रहा हूँ इसका क्या मतलब है तू थोड़ा सा भी मतलब एटिकेट्स नहीं है तेरे में पहले तो मुझे याद दिलाना है रोशन को नेक्स्ट क्लास में देखना है जब भी आएगा बाहर निकालना पड़ेगा अरे जिसने जिसने आंसर दिया मैं पूछना चाहता हूँ सबसे इंटरेक्ट कराना चाहता हूँ तो अकेला थोड़ा ना क्लास में बस उनसे देखता हूँ इंटरेक्शन करेंगे श्लोक बताना चाहेगा यस सर हिट एंड ट्रायल तो नहीं है नो सर बोल हाँ तो वो इक्वेशन को मैंने लिखा फाइव इज टू टू एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू टू रेस टू एक्स माइनस 25 अपॉन 4 इनटू 2 रेस टू 2x अपॉन 5 रेस टू 2x वेरी गुड यहां तक अच्छा करा तूने रुक वापस मैं भी करता हूं बिल्कुल अच्छा जा रहा है तू अभी तक तो सबको ट्राई करना सबको कॉन्फिडेंस चाहिए 12 इनटू 2 की पावर x माइनस 25 बाय 4 इनटू क्या लिखा था इसको 2 टू द पावर 2 2x अपॉन 5 टू द पावर 2x अब बेसिकली 16/100 और फिर वो 4 अपॉन 25 हो गया सुन रहे हो बच्चों 4 की पावर x अपॉन 25 की पावर x ओके तो मतलब 2 रेस टू पावर 2x अपॉन 5 की पावर 2x हो गया अब बोलो अब दोनों को डिफरेंट वेरिएबल से डिनोट करके क्वाड्रेटिक आते हैं दो वेरिएबल में और फिर सॉल्व करके आंसर आ जाता है वेरी गुड क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल की तरह डील कर लिया तो पहले तो क्या 5 की पावर 2x को क्या रख देते हैं a रख देते हैं 2 रेस टू पावर x को b रख देते हैं दिख रहा है बच्चों यस सर यस सर 5 की पावर x को a नहीं रखा है ध्यान से देखो किसको रखा है 2x 5 रेस टू पावर 2x तो ये क्या हो गया a माइनस 12b माइनस 25 बाय 4 इनटू b स्क्वायर बाय a इक्वल टू 0 आई होप सही करा मैंने ध्यान से देखो यस सर अब एलसीएम 4a है तो 4a स्क्वायर माइनस 48ab माइनस 25 बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो याद करो मैंने क्वाड्रेटिक में टू वेरिएबल पढ़ाया था एवरीवन याद आया और मैंने क्या बोला था क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है उसको ऐसे ही ट्रीट करो जैसे ये क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल है 4x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 25 इक्वल टू जीरो अगर तुम्हें इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट भी करना है तो मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा देखो आ गई वन वेरिएबल में कम ऑन यस सर यस a by b को x रख दिया अब तो दिख रही है 4x square minus 48x minus 25 equal to 0 everyone yes sir yes sir तो quadratic in two variable कुछ भी डरने की बात ही नहीं होती है 48 को split करूंगा 50 and 2 की तरह तो भले यहाँ पे करूं या original में करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 2x common 2x minus 25 plus 1 2x minus 25 equal to 0 बच्चों So either x is 25 by 2 or x is minus 1 by 2. Who is x? A by b. And who is a by b? A kaun tha? 5 by 2x. That is 25 ki power x bol sakta hun? Yes sir. Aur b kya hai 2 ki power x. So hai to ye exponential function hai na 25 by 2 ki power x? Yes sir. Yes sir. कैन एक्सपोनेंट भी नेगेटिव हो सकता है क्या रिजेक्टेड तो बस आ गया 25 बाय 2 की पावर x इज 25 बाय 2 x इज 1 वेरी गुड स्लो क्या समझ में आया सबको यस सर यस सर ना एलिगेंटली उसने ट्राई किया बस थोड़ा 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 करते गया फिर हिट हो गया इसको t रखते हैं इसको b रख देते हैं दो वेरिएबल भली कोई बात नहीं थोड़ा ट्राई करना इसलिए वो बच्चे इंप्रूव करते हैं जो थोड़ा थोड़ा ऐसे ट्राई करते हैं कॉपी करो
हाँ भाई, अब किसी को डाउट? नो सर। कॉपी हो गया है या आई शुड वेट? हो गया सर। सबका हो गया, कैन आई मूव देम? यस सर। यस सर। ओके। तो आप बताओ लास्ट टॉपिक अब चालू कर देते हैं, क्या चालू करेंगे? लॉगरिथम फंक्शन। तो उसको आराम से पढ़ेंगे क्योंकि कुछ कुछ बच्चे लॉग्स थोड़ा डरते भी हैं। तो हेडिंग लिखो लॉगरिथम्स। लिख ली हेडिंग बच्चों? यस सर। लॉग कैसा दिखता है? पहले तो देखो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वापस बोल रहा हूँ, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। तो इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? नंबर। वापस बोल रहा हूँ, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, लॉग ऑफ द नंबर टू द बेस। बिल्कुल क्लियर? यस सर। और इस पूरे को अगर लेट्स से मैं वाई बोलता हूँ तो इस पूरे टर्म को अपन लॉग वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉग की वैल्यू। लॉग वैल्यू। हाँ, मतलब अपन कभी भी बात करेंगे तो इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, लॉग वैल्यू। लॉग वैल्यू का मतलब क्या है? एक्स ए या पूरे लॉग की वैल्यू? पूरे लॉग की वैल्यू। करेक्ट। और एक्स को क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर को क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलते हैं? जिस तरीके से अगर करूं तो प्रोनाउंस कैसे करेंगे? लॉग ऑफ थ्री टू द बेस टू। लॉग ऑफ थ्री टू द बेस टू। और इसको पूरे को बोलूंगा लॉग वैल्यू, ठीक है ना? Yes, sir. अब लॉग कैसे डिफाइन किया गया है अभी के लिए बता देता हूँ। लॉग और एक्सपोनेंशियल बिल्कुल आपस में रिलेटेड होते हैं, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स क्या होता है वो भी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, वो फंक्शन चैप्टर कैलकुलस में सीखेंगे। बट यस, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर, वो अभी बता रहा हूँ डेफिनेशन के हिसाब से। क्लियर यहाँ तक? फिर प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वेशन रूल, तुम सबने देखे होंगे, आया ना? Yes, sir. वो सब कैसे आया, उन सबको सबको डिराइव कराऊंगा। विल गो टू द वेरी बेसिक ऑफ द लॉग। तो अब चालू भी कैसे कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? लिखो डेफिनेशन। देखो स्क्रीन पे लिखी है मैंने, डेफिनेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज, देखो पूरा, लॉग ऑफ एनी नंबर टू अ गिवन बेस इज द पावर, लिखो लिखो, to which the base must be raised in order to equate it to the given number. पूरी लिख लो फिर समझाता हूं मैं। डन सर। डन सर। हो गया सबका यहां तक? पूरे लॉग की बात कर रहा है, लॉग ऑफ एनी नंबर टू गिवन बेस, मतलब ये जो मैंने सर्कल बनाया है वो कौन है? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस है। लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग क्या है? लॉग की वैल्यू अगर मैं उसको वाई से डिनोट करूं तो कैन आई से लॉग वैल्यू सेम एज वाई राइट नाउ? यस सर। यस सर। हु इज वाई? लॉग का आउटपुट और वाई इज द पावर। अच्छा, पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज। ओके, बेस को पावर में लाना है इन ऑर्डर टू इक्वेट टू द गिवन नंबर। ओके, देखो ऐसा आ गई, ये लिखी है ना इक्वेशन डेफिनेशन। यस सर। यस सर। तो यस, लॉग और एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट हो गया, देखो बिल्कुल रिलेटेड में है, वो डेफिनेशन सही है कि अगर y इज लॉग ऑफ x टू द बेस a
then a raised to power y is x. This is the basic definition of log. सबने सुना यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. लिखना बंद करो अभी एग्जांपल से समझते हैं फिर थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि अभी सब वेरिएबल्स में है तो थोड़ा हमें कम समझ में आता है तो ध्यान से सुनेंगे. अगर मैं बोलूं कि y is log of 24 to the base 3 तो y का आंसर कैसे निकलेगा बेसिक डेफिनेशन से. बेसिक डेफिनेशन क्या बोल रही है कि log को किसमें कन्वर्ट कर दूं एवरीवन एक्सपोनेंट में. कैसे कन्वर्ट करते हैं बस ये याद रखो बेस raised to power log value is equals to number. Can I say like that everyone? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Raised to power log value is equals to kya? Number. 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 So who is base here? Batao. Three. Who is log value? Five. मतलब जैसे मैं by the way यहाँ पे 27 या थोड़ा change करके अच्छा figure कर देता हूँ 81. तो अगर किसी को log आता है तो उसको पता है answer 4 है. हाँ अगर सर. किसी को नहीं आता है तो अब वो बता देगा कैसे बेस रेस्ट पर लॉग वैल्यू सही लिखा है ना अभी तक. यस सर. इक्वल टू द नंबर. बताओ अब सॉल्व हो गया नहीं हो गया एवरीवन. यस सर. क्या सबको बेसिक डेफिनेशन समझ में आता है? यस सर. अब इसके बहुत सारे और एग्जांपल करेंगे अभी यहाँ तक कॉपी करो पहले. Done, sir. Ready हो गए हो? Copy हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes. Example करो ताकि confidence आएगा फिर. चलो आ जाओ. लिखना नहीं है सब. मैं तुम्हें नया question दूँगा. बस मेरे साथ देखो. Y is log of 2 to the 2. तो अभी exponent में convert करो. Everyone, base is what? घर में ये इक्वेशन लिखनी है मुझे करेक्ट ना. बेस रेस्ट टू पावर लॉग वैल्यू इज इक्वल टू नंबर. यस सर. हां चलो बोलते जाओ. हु इज बेस एवरीवन? 2. हु इज लॉग वैल्यू? 1. हु इज द नंबर? 2. आंसर आ गया y इक्वल टू 1 करेक्ट. पूछो. यस सर. तुमने देखा कि मैंने लॉग को किसमें कन्वर्ट किया एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को सॉल्व करके आंसर निकल जाता है करेक्ट एवरीवन. यस सर. ये प्रॉपर्टीज है या लॉग की बेसिक डेफिनेशन? डेफिनेशन. दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग. चलो लॉग ऑफ पॉइंट लॉग ऑफ 1 टू द बेस 0.3 कन्वर्ट करो. बेस इज व्हाट? 0.3. वैल्यू इज व्हाट? y. नंबर इज व्हाट? 1. तो सबको पता है y कितना आ जाएगा? 0. अभी आंसर नहीं निकाल पा रहे उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. है जैसा है तो है. लॉग 3 ऑफ 4 ऐसा कुछ कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? 3 to 4. अभी तक याद करो 3 to the power y 9 होता है तो तुम सॉल्व कर लेते हो करेक्ट एवरीवन? यस सर. यस सर. 3 to the power y = -9 होता है तो नो सॉल्यूशन बोल देते हो. एग्री करो? बट 3 to the power y = 5 होता है तो नहीं कर पाते हो. एग्री करो? बट आप कर सकते हो. आंसर किसके टर्म्स में? लॉग के टर्म्स में छोड़ेंगे बस और क्या. अब देखो मैं रिवर्स कर रहा हूँ. रेडी रिवर्स के लिए? यस सर. यस सर. क्या ये कौन है? 3 कौन है? एवरीवन बेस कौन है? लॉग वैल्यू. लॉग ये 4 कौन है? नंबर. याद है लॉग वैल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ द नंबर टू द बेस. हां है ना? यस सर. यस सर.
तो बताओ कन्वर्ट करो क्या लिखूं मॉन लॉग वैल्यू लॉग वैल्यू लॉग ऑफ द बेस 3 बेस 3 बस इसके बाद यही आंसर लिखना है इज दैट क्लियर एवरीवन यस सर यस सर यस सर एक और कन्वर्ट करते हैं जैसे अभी पहले तीन में हमने लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया था करेक्ट एवरीवन यस सर यस सर हम अपन एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं करेक्ट ना यस सर हां या ना नालायको हां सर यस सर x square equal to 100 को कन्वर्ट करो बोलो क्या लिखूं log equal to log of 100 चलो दो बार log हो गया तो भी हैंडल अब log को वापस एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं log 10 x equals to 5 कर पाओगे ना हां सर चलो मेरे साथ एवरीवन हां ऐसा दे दिया तो मेरे साथ सुनना जितना मैं पूछूं उतना ही ये बेस है पहले आउटर log से चालू करेंगे और ये उसका नंबर है कैन आई से लाइक दैट यस सर तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बेस रेज टू पावर लॉग वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर आया ना बच्चों यस सर तो इसको रीअरेंज करके वापस लिख दिया लॉग ऑफ x टू द 3 इज 243 कम ऑन यस यस सर अब वापस कन्वर्ट कर दिया ये रहा बेस ये रहा लॉग वैल्यू करेक्ट सॉरी नंबर और ये रहा लॉग वैल्यू एवरीवन यस सर तो क्या इक्वेशन होती है बेस रेज टू पावर लॉग वैल्यू इक्वल्स टू नंबर क्या ये सब एग्जांपल समझ में आया एवरीवन यस सर लॉग लॉग को एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एक्सपोनेंट को लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल क्लियर यस सर यस सर बस ये इक्वेशन याद रखें और एक ये इक्वेशन याद रखें कि लॉग वैल्यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ द नंबर to the given base come on yes bilkul clear everyone yes sir yes sir yes, kuch dekhna ho to dekh lo yahan pe kuch bhi copy nahi karna hai directly isi ke jaise main similar example de raha hu khud se karne ke liye can I go next page yes, yes sir yes sir karo ye sab कन्वर्ट करो मतलब अगर एक्सपोनेंट में है तो लॉग में कन्वर्ट करो या फिर एक्स की वैल्यू निकालो जो भी लिखा है करो Dancer. Everyone else also. Last 10 seconds, jaldi karo. Answer. Answer. चलो आप डिस्कस कर लो एवरीवन यस सर यस सर चलो मेरे साथ बस यही ध्यान रखना है कि बेस रेज़ टू पावर लॉग वैल्यू क्या होता है एवरीवन नंबर नंबर करेक्ट ना Yes. तो अभी एक्सपोनेंट में दे रखा है तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है लॉग में
तो सबसे पहले लॉग में को क्या इक्वेशन बनती है, वापस लिख रहा हूँ, लॉग वैल्यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ द नंबर टू द गिवन बेस, करेक्ट एवरीवन? यस सर, यस सर। तो बस लॉग वैल्यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ द नंबर टू द गिवन बेस, यही आंसर है, ऐसा ही छोड़ते हैं, कोई डाउट? नो सर, नो सर। ओके, यहाँ पे वापस एक्सपोनेंट में, तो लॉग में कन्वर्ट करूंगा, हु इज द लॉग वैल्यू हियर, लॉग वैल्यू थोड़ा सा सोच के नहीं बोल सकते हो क्या, खुद ने भी करा है, यही है ना लॉग वैल्यू, ये तो नंबर होता है ना, तो लॉग वैल्यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ द नंबर टू द गिवन बेस, एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर, यस सर। अब थर्ड है लॉग, उसको अपन को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो बस ये इक्वेशन ध्यान रखेंगे, बेस रेज्ड टू पावर लॉग वैल्यू इज इक्वल्स टू नंबर, एवरीवन? Yes, yes, sir. Sir. Okay. तो एक सेकंड लिया करो, कोई बात नहीं, बस सोच के बोला करो, बेस कौन है? X. 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 लॉग वैल्यू कौन है? लॉग वैल्यू टू। और नंबर कौन है? 100. एक कन्वर्ट हो गया बस, एक्स इज प्लस माइनस 10, करेक्ट एवरीवन? यस सर। और इसके आगे की एक चीज बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ाई नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ लॉग के कारण, अभी डोमेन पढ़ाया लॉग का या नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। डोमेन ऑफ द लॉग भी x ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए फाइनल आंसर प्लस 10 ही होगा, क्लियर यहां तक? यस सर, यस सर। ये लिख लो भली, डोमेन ऑफ लॉग, बट पढ़ेंगे लेटर। बिल्कुल क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस देखो, मैंने ऐसा पढ़ा, ये नंबर है, ये बेस है और ये लॉग वैल्यू है, सही लिखा है एवरीवन यहाँ पर? यस सर। ओके, तो क्या होता है, बेस रेज टू पावर लॉग वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर, बताओ, इज इट ओके एवरीवन? सर, यस सर। तो ये 9 हो गया, अब वापस यूज कर रहा हूँ, बेस ये रहा बेस, रेज टू पावर लॉग वैल्यू, ये रहा लॉग वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर, बताओ सही आया सब बच्चों का? हाँ सर, आया सर। यस सर, यस सर। पक्का सही आया, कितने जनों का सही आया, रेज ऑफ हैंड? I was expecting 100 में से 100 यार, चलो ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर, नो सर। अब फटाफट कर पाओगे ना, बेस रेज़्ड टू पावर लॉग वैल्यू, फोर्थ वाला ध्यान से हुआ है ना? हाँ सर, मतलब इसको पहले एक साइड में रख दिया करो, नंबर उल्टा भी तो पढ़ ही सकता हूँ ना मैं, ऐसा नंबर इज इक्वल्स टू बेस रेज़्ड टू पावर लॉग वैल्यू, एवरीवन? ऐसा पढ़ लिया, ये रहा नंबर इज इक्वल्स टू बेस रेज टू पावर लॉग वैल्यू, बताओ एवरीवन ओके? यस सर, यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो, देख के डरोगे तुम ना? नहीं सर, बहुत लल्लू क्वेश्चन है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है, एक एक स्टेप उड़ाते जाओ, वापस रिवाइज करा रहा हूँ, देखना लास्ट क्वेश्चन तुमने ही ये किया था, इज इक्वल्स टू 2, तो पहले क्या लिखा था हमने, नंबर, नंबर को नीचे लिख दिया इज इक्वल्स टू बेस रेज टू पावर लॉग वैल्यू, बस ऐसे फटाफट करते जाओ, चैट पे आंसर लिखना जब भी आ जाए, डोंट बी इन अ हरी। सो इज दैट वाई? Answer. Thanks, sir.
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Sujal, Dishant, Slok, Shinidhi, Aja Shatru, Sujal, Nachiket, sab correct hai, there hai, Adha, kya baat hai, very good. Koi galti nahi kar raha yaar, ek bhi bachcha, Kritika, Vivek, sab sahi, Pritham, Kriti, sab sahi. Ek bhi bachcha nahi galat kar raha, bachche ko dekhna chahiye. Karthik correct, Samyak correct, Gopal wrong, Nalayak. Pehla bachcha Gopal wrong, dusra bachcha Hussain, abhi sab sahi hai. Kairav, Deepak, Dhruvil, Bhavesh, sab sahi. Okay, chalo. Dekho, ek do bachon ne nala ek tanti kya ki hai. Acha, main fast karunga. Dekh loge dhyan se? Haan, sir. Bahut maza aa raha hai. Haan, sir. Dekhna kaise? Ye raha number. Correct, everyone? Yes, sir. Haan, sir. Is equal to base raised to power log value. Agree karo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Phir main rub kar dunga, dekhega nahi isliye. Yahan tak clear hai na? Ye raha, dekho, number. Yes, sir. Is equals to base raised to power log value. Sahi likha hai everyone? Everyone yes, sir. Yes, yes, sir. So, maine ye log ko hata diya aur iske jagah abhi tak kar diya hai 4 ki power half. That is 2. 4 ki power half, sir. That is 2. Phir main isme hi karte jaunga, dekhna dhyan se. Phir 2 se 2 ud gaya. Bacha 1. Aur 3 ki power 1 ho jayega right side mein, agree karo? Yes, aur yahan pe ho jayega 1 plus log 2. 1 plus 3 log of x to the base 3. Phir ye 1 ko udaya, ye 2 ho gaya. Correct yahan tak? Yes, sir. To wapas isko hataya, ye 2 square ho gaya. Agree karo? Yes, sir. Square minus 1, 3 ho gaya. Haan, sir. Phir ye 3, 3 ud gaya, 1 ho gaya. Yes, sir. Haan, sir. 3 ho gaya. Chala gaya, x is 3 ki power 1. Batao, clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Gopal ka bhi correct ho hi gaya tha. Good. Koi doubt? No, sir. No, sir. No, sir. So, can I say a basic definition of log to samajh mein aa gayi? Log ko exponent banana karna? Yes, sir. Basic definition se hi sari properties aayi hai, jo tumhari product rule hai, quotient rule hai, sab wahi se hai. Properties and results of log. तो देखो लॉग में एंटी लॉग वॉग भी होता है, बट वो सब मेरे कुछ काम का नहीं चाहिए. मैं कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा सब होते हैं, लॉग टेबल देखना, बट हमारे कुछ काम का नहीं. ये समझ में आया एवरीवन? यस सर. लॉग टेबल वेबल मेरे कुछ काम का नहीं. कोई ये तो ना पूछ रहा जेई में कि भाई लॉग टेबल देख के होता हो, वो सब बोर्ड्स के काम. क्लियर? हमारे तो इंटरप्रेटिंग ट्रिकी क्वेश्चंस करने, ट्रिकी क्वेश्चंस करने, उसके थ्रू हमें कुछ रिजल्ट्स जो भी याद करना है वो सिखा रहा हूं. तो देखो इधर, सबसे पहले तो रिजल्ट नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशन. लॉग 3 कभी भी बेस नहीं लिखा है, तो तुम्हें बेस क्या लेना है एवरीवन? 10. ln 3 तो बेस क्या लेना है? तो मैं ज्यादातर ln से काम करता हूं. क्यों? लिखना कम पड़ता है. ln 5 लिखूंगा तो अपने आप बेस लिखना नहीं पड़ रहा ना मुझे. यस सर. कभी कभार किसी किसी बुक्स में और पेज की बुकलेट में भी कभी कभार वो log 3 लिख देते हैं, जिसको इंटरप्रेट तो हमें करना चाहिए log 3 टू द बेस 10. करेक्ट? हां सर. हां सर. बनाया गया है उसके रेफरेंस से, एक्चुअली वो बेस e है. तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, वो गलती से ऐसा है, वो लिख देना चाहिए ln लिखना चाहिए, बट गलती से log लिख दिया है. तो किसी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा ऑब्वियस हो कि e लेने से काम चल रहा हो तो कर लेना, बट एग्जाम में तो हमेशा ऐसे ही करना. क्या समझ में आ गया क्या बोला? हां सर. यस सर.
कभी कभार बुकलेट, और एक आध बुक में भी ऐसा हो जाता है कि एक्चुअली दोनों चीज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे फैकल्टीज है, बहुत सारे ऐसी चीजें भी, कन्वेंशन ये भी है कि बेस नहीं लिखा है तो ई भी ले सकते, बट मोस्टली एक्सेप्टेबल है कि बेस नहीं लिखा हो तो 10 लेना चाहिए। जेई कभी भी बोलेगा तो जेई मेंशन करेगा इंस्ट्रक्शन में कि log 3 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 10, तब तो जो वो बोलेगा तब हम वही लेंगे, करेक्ट? हां सर। अदरवाइज ट्रेंड इज कि log के अगर बेस नहीं ले रहा है तो फिर 10 भी लेते हैं कुछ कुछ 80% लोग, और 20% लोग ई भी लेते हैं। इसलिए किसी किसी पेज की बुकलेट के क्वेश्चन में log 3 लिखा गया है, तो हम सब, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम सब 10 लेते हो, बट फिर बोलते हो सर कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर के लिए तो बेस को क्या ले रखा है, तो वो अपने हिसाब से जज कर ले। समझ में आ गया है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पर एग्जाम में कभी आया इंस्ट्रक्शन में नहीं दे रखा हो तो भी तुम ये यूज करना, समझ गए? यस सर। कोई कंफ्यूजन फर्स्ट पॉइंट में? नो सर। बेस नहीं दे रखा है तो क्या लेना चाहिए? 10 सर। बट बुकलेट में अगर किसी क्वेश्चन में ई लेने से हो रहा हो तो डोंट आर्ग्यू, लेके आगे बढ़ना, समझ गए? यस सर। देन कुछ वैल्यूज याद करने से कहीं कहीं क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई करने में मदद मिलती है, इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज इसकी वैल्यू कभी भी यूज आएगी तो एग्जाम में तो दे रखी होगी। सुन लिया? यस सर। मतलब तुम सिंगेज करोगे, अरियंत करोगे, कुछ और बुक करोगे, तो कभी कभी आंसर वेरीफाई करने के लिए log 2 की वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए याद करा रहा हूँ, अदरवाइज देर इज नो नीड टू रिमेम्बर। 0.3010 एंड log 3 की किसी को याद है? 4771। तो वीक पॉइंट है, कुछ याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट मैंने लिख दिया। अच्छे बच्चे कभी का ट्रिकी क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चंस में कभी का log 2 log 3 की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसलिए बता दिया। क्लियर? यस सर। मेन प्रॉपर्टीज अब चालू करते हैं। सो मैं एक्सपोनेंट में लिखूंगा, तो मैं उसको लॉग में कन्वर्ट करना है, फिर उस रिजल्ट को याद करें। चालू करें? यस सर। यस सर। तो ए की पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये प्रॉपर्टी किसमें? एक्सपोनेंट में। यस सर। यस सर। यूजिंग बेसिक डेफिनेशन इसको लॉग में कन्वर्ट करो, क्या लिखेंगे बताओ? log 1 to the base a log 1 to the base a is equal to 0। तो बस ये हमारा रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? log 1 की वैल्यू कोई भी बेस हो कितना होता है? Come on। 0। एक तरीके से क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कभी भी log 1 दिखा, बेस डजंट मैटर, log 5 कितना आंसर है? 0। 1 बेस 0.7 कितना आंसर है? 0। इनका कितना आंसर है? 0। 0। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next property अब तुम्हें बतानी है। A raised to power 1 कितना होता है? A. चलो log में convert करो। बोलो। Log of A to the base A is equal to 1. समझ में आ गया? एक और result आ गया है। Everyone. Yes, sir. कैसे इस result को याद करेंगे? कैसे बोलेंगे? Log of the number to the same base is always One. इसका एग्जांपल देखो, log of 10 कुछ नहीं लिखा हो तो बेस ऑटोमेटिक किया लेते हैं अपन 10। आंसर कितना? आंसर है 1। log of 5 टू द बेस 5 कितना आंसर? 1। ln e का कितना आंसर? 1। समझ में आ गया एवरीवन? यस सर। चलो यहां तो कॉपी करो पहले। तुम बताओ अब log की बेसिक हमने डेफिनेशन करी, तो अब log कंफर्टेबल लग रहा है? नहीं लग रहा है? यस सर।
Bad. सबका हो गया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. 3 seconds. Okay. Okay, I guess okay up to everyone. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Next result, next properties. Chalo. Kaun si le? Ye property. Ab main property likhunga. Proof batana hai. To main pehle product rule ka main bata deta hun. Fir dusre tum bataoge. Product rule. सबको याद होगा प्रोडक्ट रूल लॉग ऑफ क्या लिखते हैं एमएन पीक्यू कैसे याद है तुम्हें एमएन तो अगर लॉग के अंदर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो अलग अलग स्प्लिट करने के बाद वो किस में हो जाते हैं एडिशन दिस इज द प्रॉपर्टी तो इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट तुम करना तो कोई भी लॉग का प्रूफ करना है तो लेट से एक लॉग को एज्यूम कर लो कि log m भी यूज आ रहा है log n भी यूज आ रहा है तो इसको मैंने बोल दिया लेट से x और दूसरे log को मैंने बोल दिया y अब log के सारे प्रूफ कैसे होंगे सुन लो log में assume किया उसको exponent में convert करो exponent में manipulate करो and then convert back to log सुनना yes sir. Yes sir. What did I say step one assume them in something in log step two क्या बोला एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो स्टेप थ्री मैनिपुलेट एंड कैन कन्वर्ट बैक टू लॉग एंड लास्ट स्टेप कन्वर्ट बैक टू लॉग तो स्टेप वन हो चुका है स्टेप टू कन्वर्ट देम इनटू एक्सपोनेंट बोलो ए पावर वाई टू द पावर वाई इक्वल टू एन करेक्ट ना यस यस सर वाली प्रॉपर्टीज देखो और बताओ मैनिपुलेशन मतलब क्या करना चाहिए m प्लस n करूं या m इनटू n करूं देखो ऊपर m इनटू n m इनटू n तो m इनटू n करा तो a रेस्ट टू पावर x इनटू a रेस्ट टू पावर y हो गया सो m इनटू n इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर x प्लस y हो गया यस सर तो स्टेप 3 कंप्लीट हो गया मैनिपुलेट कर लिया अब नाउ कन्वर्ट बैक टू log तो कन्वर्ट बैक जितना मैं बोलूं उतना ही बोलेंगे कन्वर्ट बैक टू लॉग से पहले हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं कौन बेस है कौन एक्सपोनेंट है हाँ है ना yes, yes, sir. तो ये बेस है इसको क्या बोलते हैं एवरीवन लॉग वैल्यू लॉग वैल्यू और इसको क्या बोलते हैं एवरीवन नंबर तो कन्वर्ट बैक आता है ना हमें तो बोलो क्या लिखू log of mn log of mn a is equals to x plus y equals to x plus y sahi likha hai everyone yes sir yes sir ab kon aur x aur kon y hai bas rakh do answer aa gaya who is x sir log of to the base of m with base who is y log of n to base with base sabko dikha kitna achhi tarah prove ho gaya everyone yes sir yes कॉपी करो
कॉपीड हो गया यस सर कोई डाउट तो नहीं है इसमें नो नो ओके इसी के साथ क्वेश्चन रूल भी लिख देते हैं फिर तो हां सर हां सर क्वेश्चन रूल क्या होता है बोलो log log m by n is equals to log n log of m to the base n minus log n to the base n क्या ना ऐसे सबको पता है इसका सेम प्रूफ है बस हां सर n to n की जगह मैं क्या कर देता m by n कर दूंगा राइट यस सर यस सर ओके वन मोर थिंग ये लॉग का प्रोडक्ट और क्वेशेंट है मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है करेक्ट एवरीवन यस सर अगर लॉग के अंदर टर्म्स एडिशन में हो गए तो देयर इज नो प्रॉपर्टी तो ऐसा कुछ कबाड़ा कुछ भी मत सोचना ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा या प्लस हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है समझ रहे हो देयर इज नो प्रॉपर्टी लाइक दैट यस प्लस में हुआ तो बस वो क्वेश्चन किसी और तरीके से हैंडल होगा यू डोंट डू एनी मेहम बिल्कुल क्लियर यस सर यस सर कॉपी करो यहां तक हाँ भाई हो गया यस सर यस सर यस यहाँ तक कोई डाउट नो सर चलो आगे बढ़ते हैं फिर सेवन प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर पावर मतलब क्या प्रॉपर्टी ध्यान से देखो लॉग ए एक्स रेज़ टू पावर पी क्या ना इसे पहले बात तो ये डिफरेंस सबको समझ में आना चाहिए लॉग ए एक्स स्क्वायर log a x का होल स्क्वायर ये दोनों सेम नहीं है क्या ये क्लियर है सबको यस सर ये स्क्वायर किस पे है ये वाला स्क्वायर x पे नंबर पे नंबर पे मतलब इट इज लाइक दिस log a x into x व्हाइल ये चीज क्या है log a log value पे into log a log a हां ये कहीं लिख देना कि ये दोनों सेम नहीं होते पहली बात तो नाउ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर नंबर के ऊपर पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है बहुत जनों को पता ही होगा करेक्ट एवरीवन यस यस तो अब इसका प्रूफ तुम बताओगे मैंने स्टेप सिखा दिए तुम्हें चार स्टेप्स बताओ फर्स्ट स्टेप लेट एनीबॉडी लॉग लेट एक्स टू द पावर इज इक्वल्स वाई इज इक्वल्स टू एम ले लिया चलेगा ना हां सर यस ओके अब बोलो क्या करूं कन्वर्ट टू तो मतलब पावर पी कर दूं दोनों तरफ एवरीवन देन लास्ट स्टेप इज कन्वर्ट बैक टू लॉग कंसिडरिंग ये क्या हो गया हमारा नंबर और ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया लॉग वैल्यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ द नंबर द गिवन बेस एग्री करो यस सर अब मैम कौन है किसी को तुमने अज्यूम किया था लॉग लॉग एक्स टू बेस एक्स टू बेस बताओ हो गई क्या प्रूफ एवरीवन यस सर बिल्कुल क्लियर यस सर यस सर यस सर तो अब एक बार रुक जाओ अभी कॉपी मत करो मैं अब थोड़ी प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ बिकॉज टाइम हो जाएगा फिर एक साथ कॉपी कर लो ठीक है यहाँ तक yes, sir. तो ये सेवन प्रॉपर्टी थी मतलब इसका एक एग्जांपल बताऊं तो लॉग ऑफ टू ऑफ लेट्स से 16 निकालना है
तो मैं इसको क्या कर दूंगा, log 2 16 को क्या लिख दूंगा एवरीवन, 2 की पावर 4 2 की पावर 4 4 आगे आ जाएगा एवरीवन, यस और नो? यस सर। प्रॉपर्टी याद की, log 2 2 की आंसर कितना होता है एवरीवन? 1 1 सबको समझ में आया प्रॉपर्टी का यूसेज? यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेस के ऊपर पावर। अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे किस पे पावर थी? नंबर पर। अब बेस के ऊपर पावर है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, और ए के ऊपर पावर क्यू है, तो क्यू भी आगे आ जाता है, बट क्यू आगे नहीं आता है, क्या आता है उसका? 1/k रेसिप्रोकल। कैन आई से सेम प्रूफ नहीं करूं चलेगा? हां सर। एक एग्जांपल जरूर करते हैं। एग्जांपल लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। नेक्स्ट टाइम बोलते जाओ, कम ऑन। 16 को क्या लिखूंगा? 2 raised to the power 4. नेक्स्ट पावर किस पे, बेस पे या नंबर पे? बेस पे। 4 आगे आता है, बट कैसे आगे आता है? रेसिप्रोकल। क्या बच गया? log 2 2 आंसर कितना होता है? 1/4 बिल्कुल क्लियर? हां सर। एक आध प्रॉपर्टी और करानी है क्या? रुको एक मिनट, देखा दो तो क्या और भी प्रॉपर्टीज हैं, बट एक साथ कराऊं या अलग अलग कराऊंगा वो सोच रहा हूँ। सर करा दो। चलो ठीक है। हाँ, ये दोनों प्रॉपर्टीज कॉपी कर लोगे, और ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सब करोगे। सुन लिया सबको? देखो होमवर्क क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सॉरी, ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके आओगे। दिख रहा है बच्चों? यस सर। एवरीवन एबल टू सी हियर मी? यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी। ये सब क्वेश्चन करके आने हैं आफ्टर यू रिवाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एंड कॉपी दिस पार्ट। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, जिसको कॉपी करना है कर लो, अदरवाइज यू कैन लीव, बाद में कर लेना। जिसको कुछ डाउट पूछना है पूछ सकते हो। सर राधा, अदर्स कैन गो। हाँ राधा बोलो। सर log 1 टू द बेस 1 वुड बी 0 और 1? दैट इज नॉट डिफाइंड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। डोमेन जब आएगा ना, डोमेन ऑफ log, तब देखेंगे। ओके सर। log का बेस 1 नहीं हो, चुप रहे, लॉग का बेस 1 अलाउड नहीं, डोमेन में नहीं। ओके ओके सर। यस दिशांत। हाँ दिशांत सर, वो लॉन 3 लॉग टू द बेस ई कैसे हो गया वो नहीं समझा सर। क्या बोला सर? लॉन एनी नंबर टू द बेस नहीं दिया हुआ है, तो लॉग टू द बेस ई कैसे हो गया वो नहीं समझा। E होता है और क्या? ये वर्ड डिफॉल्ट है, ये एलन लिखते कैसे फिर? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये समझा मतलब? तेरा नाम क्या है बच्चे? दिशांत। एक्सक्यूज मी। यस सर, कैन यू रिपीट? तेरा नाम दिशांत है ना? हाँ सर। तो तेरा नाम दिशांत क्यों है सर? क्योंकि वो डिफाइंड है मेरे लिए। तो बस ये डिफाइंड है, ln लिखना मतलब शॉर्ट में लिखते हैं, वो लिखते किसको है? इसको लिखते हैं। दिस इज डिफाइंड, ये कहीं से आया नहीं है। समझ में आया? यस सर। मतलब बेस अगर ई लिखना है तो उसको शॉर्ट में अपन ln भी लिख सकते हैं, दैट इज दैट, वेयर ई की वैल्यू होती है इरेशनल नंबर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। सर आप एक बार 8th प्रॉपर्टी पे जा सकते हो, कॉपी करना है 8th पे। हां ये ले। ओके, जिसको जाना जाओ भाई जल्दी।